हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हाउ टू। और इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। तो यार, सबसे पहले स्ट्रेस क्या है, क्यों हो रहा है, मतलब आज के इतनी बदलती दुनिया में, इतनी तेज चलती हुई दुनिया में लोगों को इतनी हाई क्वांटिटी में स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत कहाँ है, हम अपने दिमाग की स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हमें उन थॉट्स को सही तरीके से रखने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। तो अगर ये चीजें हो रही हैं, तो इस बदलती मॉडर्न टेक्निकल इतनी फास्ट ग्रोइंग दुनिया का क्या फायदा जब हमारी मेंटल स्टेट ही सही नहीं रही। तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं। पहले तो क्यों हो रहा है हमें पता होना जरूरी है। हमारा दिमाग किसी चीज पे खराब है तो हमें पता होना चाहिए क्यों खराब है। हम अपने किसी दोस्त से नफरत करने लगे तो क्यों करने लगे, अरे उसने मुझे मारा था, उसने मुझे पीटा था, उसने ऐसा किया था, इसलिए हम उससे नफरत करने लगे। हम किसी भी चीज को नापसंद क्यों करते हैं, हमें उस चीज का सॉल्यूशन पता होता है कि क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही ये जो स्ट्रेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, जिस दिन हमने ये क्यों का जवाब ढूंढ लिया उस दिन हम इसको खत्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे वो क्यों हो रहा है। तो अक्सर देखा जाता है, मतलब सबको ही, अगर मैं स्टैट्स आगे शो करूंगा आपको, स्टैट्स केवल इंडिया में 82% लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। हम ऑफिस में स्ट्रेस कर रहे हैं, हम काम करते टाइम स्ट्रेस कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस हो गया है कि हम उस स्ट्रेस के बोझ तले दबते ही जा रहे हैं। और ये चीज सिर्फ एडल्ट्स में नहीं, ये चीज स्टूडेंट्स में भी हो रही है। स्टूडेंट बहुत परेशान है, अरे यार छोटी सी तुम्हारी एज है, तुम 20 साल के हो, 18 साल के हो, इतनी सी उम्र में कितना वजन लोगे, तुम्हें ग्रेड्स भी अच्छे चाहिए, तुम्हारे एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत बढ़िया बने, तुम्हारा असाइनमेंट भी हमेशा कंप्लीट हो, यार सब कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हें इन चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा कि इनसे मुझे कैसे निकलना है। अगर एग्जाम्स अच्छे नहीं हो रहे तो ढूंढो यार क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए लगो, पढ़ने बैठो, तब जाके एग्जाम अच्छे होंगे, ग्रेड्स अच्छे होंगे, तुम्हारा पीयर ग्रुप अच्छा बन जाएगा। जिस दिन तुम एक अच्छे स्टेबल स्टैंडर्ड तक पहुंच गए, तुम्हारे असाइनमेंट्स नहीं हो रहे, अरे यार कॉन्सेप्ट समझो तो असाइनमेंट तब हो जाएगा छू मंतर करके, समझ रहे हो। लोग परेशान कर रहे हैं आसपास, अक्सर कॉलेजों में, स्कूलों में ऐसा होता है कि आसपास के फ्रेंड एक दूसरे को मिलके बहुत परेशान कर, जनरली आप लोगों ने मीम्स में भी पढ़ा होगा कि दो तीन दोस्त हैं तो ऑब्वियसली दो मिलके एक की बजाते रहेंगे, तो इस चीज को बुलिंग कहते हैं और ये एक अलग तरीके का स्ट्रेस होता है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, स्ट्रेस कैसे कैसे होता है और कैसे उन्हें रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है, आप किसी से बात करने गए, आपने मान लो अपने पड़ोसी से बात करी, आपका पड़ोसी आपके ऊपर चढ़ गया, आपको डांटने पीटने लगा, तो आप एकदम गुस्से में घर पे आओगे, परेशान हो गए, यार उसने ऐसा क्यों बर्ताव किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, वो आपसे बदतमीजी करने लगे एकदम से और गुस्सा करने लगे कि अब आपको वो मारेगा, तो वो अलग तरीके का स्ट्रेस क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, तो उसे सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। जब आप किसी से बात करने गए तब उस बातचीत के दरमियान जो आपके अंदर स्ट्रेस बिल्ड हुआ, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। देन ऑर्गेनाइजेशनल, आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपका बॉस रोज लगा पड़ा है, नहीं नहीं इसकी जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होने देंगे, टफ टास्क दो इसे, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आपसे हमेशा काम करवा रहे हैं, आपसे लेट नाइट काम करवा रहे हैं, तो वो चीजें एक अलग से स्ट्रेस इंक्रीज करती हैं, अलग से स्ट्रेस बिल्ड करती हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है। देन ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर देखा जाता है डेडलाइन, आपकी डेडलाइन इतनी शॉर्ट होती है और उसी शॉर्टेज में आप कहीं ना कहीं अपनी स्किल में लैग कर रहे हो, तो वो सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाती है कि आपको स्किल भी नहीं आती, आपको डेडलाइन दे दी, भैया ये काम तो करके दे, तेरे को आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम से मतलब है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एफिशिएंसी डाउन करते हैं और मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। देन अक्सर लोगों में
घर में जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। मान लो बर्थ, किसी के घर में किसी के बेबी होने वाला है, तो वो अलग स्ट्रेस है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब सही से हो जाएगा या नहीं। किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, वो अलग स्ट्रेस है। को जॉब खो दी किसी ने, कोरोना चल ही रहा है, सब लोग जॉब खो रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा फटी क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है। प्रमोशन, प्रमोशन होगी या नहीं होगी, यार इतनी मेहनत मैंने करी है, कैसे होगा सब कुछ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। देन मैरिज, लड़कियों में अक्सर होता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे। अरे भाई, उसको शादी करनी, उसको शादी करने दो, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो, स्ट्रेस क्यों क्रिएट कर रहे हो, बात करो चीजों पे, चीजों को सॉल्व करो, स्ट्रेस की जरूरत थोड़ी है। देन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें मिलती है सुई, हम उसका खोदते खोदते पहाड़ बना देते हैं। हम सोच रहे थे यार फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं, और फुटबॉल खेलना शुरू नहीं किया और हम सोचने लगे नहीं, रोनाल्डो के साथ ही अगला मैच खेलना है। तो वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमने सेट कर दी, जिसके चक्कर में स्ट्रेस होगा। आपको बनना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने अभी इंजीनियरिंग शुरू करी नहीं, प्रोग्रामिंग सीखी नहीं, लेकिन आप झगड़ने लगे कि नहीं यार मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कल ही बन जाना है, ऐसे तो कभी नहीं होगा। उसके बाद टेकिंग थिंग्स पर्सनली, किसी ने मजाक भी किया, आपके दोस्त ने मजाक मजाक में आपको कुछ कह दिया, आप दिल पे ले गए, बस परेशान हो जाओगे, तो यार ऐसे चीजें नहीं चलती। देन बिना कुछ हुए ही तुम सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो सामने वाला आके मुझे मारेगा ही मारेगा ही, यार तुम वो जब तुम ऐसा सोच रहे हो तो वो आके मारेगा ही तुम्हें, इतना सोचोगे तो मारेगा ही मारेगा। फिर एग्जेगरेशन, हुई थी चीज छोटी सी, तुम परेशान हो गए, सोचते 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 तुम न जाने क्या पहाड़ खोद बैठे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, और हमें अपने इसको डिसॉल्व करने का एक ही तरीका है, हम अपने दिमाग को समझाएं, नहीं यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं कैसे चीजों को हैंडल करता था। कॉलेज में अक्सर असाइनमेंट्स की टेंशन हुई, यार गर्लफ्रेंड सेट नहीं हो रही है, कॉलेज टाइम पे नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे हैं, अटेंडेंस कम है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दुनिया भर के स्ट्रेस है, अक्सर होता है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे पता है बहुत स्ट्रेस रहता है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, अरे हटा जाओगी देखी जाएगी, सिर्फ एक लाइन और चिल, कुछ मत करो, इसके बाद जो होगा देखी जाएगी, भाड़ में गया सब कुछ। यार तुम्हारी जान जान से ज्यादा जरूरत किसी चीज की नहीं है, तुम्हारी जिंदगी रहेगी तुम सब कुछ कर लोगे, और जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर तो ये दौलत पैसा शोहरत सब बकवास, बर्बाद बेकार है। ऐसे ही ना जाने कितने चीजों से स्ट्रेस होता है, आपको रिलोकेट करना है, आपका वर्कलोड ज्यादा है, मंडे आ गया, ऑफिस में काम कैसे होगा, कॉलेज में कैसे होगा, पड़ोसी दिक्कत कर रहा है, शादी करनी है, बॉस दिल परेशान कर रहा है, तबीयत सही नहीं है, एम्प्लॉयर परेशान कर रहा है, दुनिया भर की चीजें जिन्हें आप स्ट्रेस कहते हो होती हैं, और बहुत ज्यादा दिक्कतें करती हैं ये दिल और दिमाग पे। अब ये देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली चीज है, जैसा मैं शुरू में बोल रहा था कि 82% इंडियंस को स्ट्रेस है। मैं तो अभी तक यही सोचता था, नहीं यार हम इंडियन सबसे ज्यादा चिल लेवल पे हैं, यार ये गलत है, हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। 82% मतलब सब कुछ, यार बचे ही कौन, 18% में कौन होंगे, बुढ़े बहुत ज्यादा होंगे, छोटे छोटे मासूम और बहुत छोटे बच्चे होंगे, 82% मतलब पूरा यूथ ही खत्म हो रहा है यार इस चक्कर में। ये बहुत अलार्मिंग चीज है, इस चीज को जल्दी से जल्दी हमें अपने दिमाग से निकालना है, स्ट्रेस खत्म करना है। स्ट्रेस लो, स्ट्रेस नहीं लोगे तो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते। स्ट्रेस लो लेकिन पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव वे में, कि मुझे इस काम को कंप्लीट करने के लिए यार कैसे भी करना है। ये मत लो नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगा, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को कैसे परेशान करता वो बताता हूँ, अब स्ट्रेस कैसे हमारी पूरी बॉडी को परेशान करता, बहुत ज्यादा परेशान करता है यार। देखो सबसे पहली चीज, तुम्हारा सर दर्द शुरू हो जाएगा। पहली चीज, सर दर्द शुरू हुआ, तुम्हारे भैया दिक्कतें शुरू, तुम्हारी स्लीप नहीं आएगी, ठीक है, नींद तो आएगी ही नहीं, सर में दर्द चल रहा है,
दिमाग में चल रहा है यार डेडलाइन है डेडलाइन है डेडलाइन है, कैसे सरदर्द जब हो रहा है तो तुम कैसे सोओगे, नींद आएगी नहीं। और ये चीजें जब कंसोलिडेट हो के इकट्ठा होते होते बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो दे विल रिजल्ट इन डिप्रेशन, और फिर उस डिप्रेशन के लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट पे जाना पड़ेगा। और एक बार सोच के देखो, साइकेट्रिस्ट पे जाके आप क्या कर रहे हो, आप किसी को पैसे दे रहे हो आपके दिमाग को समझाने के लिए? अरे यार खुद एक बार बैठो अकेले में, सोचो कि ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी के साथ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। जिस टाइम आप ये चीजें सोचने लगोगे, विजुलाइज करने लगोगे, अपने आप ही आपको उस स्ट्रेस का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे स्ट्रेस से बिल्ड होते 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 वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और आपके वो सीधे हेल्थ को हार्म करेंगी। धीरे धीरे आपका स्ट्रेस बढ़ता गया, आपके दिल कमजोर होगा। ऑब्वियसली बात है यार, कितना वजन दोगे, प्यार का वजन, पढ़ाई का वजन, जॉब का वजन, कितना वजन झेलेगा वो छोटा सा दिल? तो बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाला है ये स्ट्रेस। ये देखो, ये है मस्त चीज, मुन्ना भाई ने क्या कहा था, टेंशन लेने का नहीं सिर्फ देने का। बिल्कुल यही तरीका हमें फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं लेने का। जो होगा देखी जाएगी, बाद में देखेंगे, काम हुआ हो भाड़ में जाए। मेरी जिंदगी सब कुछ है, बिना जिंदगी के सब बेकार है। मेरी तबीयत सही रहेगी तभी तो मैं काम करूंगा तेरा, तू मेरे पे क्यों? अब अपने एम्प्लॉयर को बोल दो, तुम मेरे पे सारा वजन डाल दो, मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मैं कहां से तुम्हें काम करके दूंगा, काम उतना ही दो जितना मैं कर पाया, और नहीं कर पाया तो उसे मैं अगले दिन खत्म करूंगा। तो बेवजह स्ट्रेस को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो स्ट्रेस लेवल घटाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा क्यों हो रहा है स्ट्रेस। आपको भगवान ने दो कान दिए हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब सामने वाला ज्यादा बोल रहा है, अरे दोनों कान खोलो यार, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। इसीलिए दोनों कानों का इस्तेमाल करने को भगवान ने दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगा, उन दोनों कानों को इस्तेमाल करो, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेस कम होगा। अब बात करते हैं, एक स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये स्ट्रेटजी, ABC, अवेयरनेस बैलेंस कंट्रोल। अवेयरनेस इज ढूंढो क्यों हो रहा है वो स्ट्रेस, क्या रीजन है वो स्ट्रेस का, कैसे हो रहा है, किस चीज से हो रहा है। आप धीरे धीरे मॉनिटरिंग करने लगोगे चीजों पे तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है। किसी स्टूडेंट को स्ट्रेस क्यों होता है, अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल मान लो कॉलेज 12वीं का स्टूडेंट है, उसको स्ट्रेस क्यों होगा? उसको स्ट्रेस इसलिए होगा, पिताजी बोल रहे हैं तेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, दोस्त बोल रहा है भाई बंक मारने चलना है, बंदी बोल रही है कि अच्छी जॉब चाहिए तभी हम दोनों का कुछ हो पाएगा, टीचर बोल रहा है पढ़ ले वरना कुछ नहीं होगा। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं कारण है उस स्ट्रेस के। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आप एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो, मैं ये कह रहा हूं उन एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखो, रियलिस्टिक रहेंगी तो आपका स्ट्रेस लेवल बना रहेगा और आप उन गोल्स को अचीव कर पाओगे। और यही दूसरा पॉइंट यही बताता है, बैलेंस, उन चीजों को बैलेंस करो, रियलिस्टिक रखो, आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है और कितना आपका पोटेंशियल है, दोनों का बैलेंस होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। और उस चीज को अचीव करने के लिए आपको चाहिए कंट्रोल, आपका खुद पे कितना कंट्रोल है। अगर आपको कोई जॉब ग्रैब करनी है, कोई प्रोफाइल ग्रैब करनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको अपने पे कंट्रोल रख के उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी देर डिवोट करना पड़ेगा। अब मैं बताऊं, जब मैं सेकंड ईयर में था तो क्या हुआ था, जब सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर खत्म होने वाला था तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस मेरे अंदर बिल्ड हुआ कि मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, कुछ नहीं आता, मैं किस फील्ड में जॉब लूंगा। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस था मेरे लिए उस टाइम। तो इट्स लाइक मेरे सामने जावा है, सी है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, दुनिया भर की लैंग्वेजेस आ गई हैं यार। बहुत स्ट्रेस क्रिएट हुआ कि मैं क्या करूं, और उस स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक चीज करी और वो थी इन चीजों को एक एक कर कर करके ट्राई करना। तो दो हफ्ते मैंने जावा पढ़ी, मेरे को समझ नहीं आया भाई, क्लियरली बोल रहा हूँ, system.out.println के अलावा कुछ नहीं समझ आया मुझे जावा में, मैंने छोड़ दी।
एक हफ्ते सी पढ़ी, मुझे समझ नहीं आई, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने शुरू करी पाइथन। पाइथन पे मुझे समझ आने लगा, हाँ सीधा रीडेबल स्टेटमेंट है, चीजें मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी। धीरे धीरे मुझे कोर्स करते करते मुझे ये दिखा यार सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो मुझे उसके लिए कुछ फाइट करनी पड़ी। फिर करते 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 मैं डेटा कैंप तक पहुंचा, datacamp.com पे फिर उनके कोर्सेज करे, और फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करते 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 मैं पाइथन को सीख पाया, समझ पाया, और कहीं ना कहीं मेरा वो स्ट्रेस खत्म हुआ, उस स्ट्रेस का सॉल्यूशन मिला मुझे। और जो मेन स्ट्रेस का कारण था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी बिना इन चीजों के, वो डिसॉल्व हुआ। तो ये तो थी कॉलेज की स्टोरी। तो ये तो था पहला तरीका और उससे जुड़ी मेरी एक रियल लाइफ स्टोरी। अब दूसरा तरीका थोड़ा सा देसी सा है, कोई तरीका तो नहीं है, जस्ट कुछ चीजें हैं जिनको दिमाग में रख के काम करना है, और वो चीजें हैं ये। सबसे पहले स्लो डाउन, कीप काम, बी पॉजिटिव, टेक इट इजी, ये कुछ वर्ड्स हैं। आप इस चार्ट को सेव कर लें और अपने घर के 3-4 कोनों में बड़े प्यार से चिपका दें, और सुबह शाम एक बार इन पे नजर मार लें, भाई क्या चल रहा है इनमें, क्या है। जिस पे भी नजर पड़े बस आप उसे दिमाग में रखें कि अगर आपकी फास्ट मूविंग लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है तो यार स्लो डाउन करो। अगर तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा थोड़ी देर रुक जाओ, अगर घर वाले तुम पे चिल्ला रहे हैं थोड़ी देर शांत हो जाओ, कुछ और दिक्कत है थोड़ी देर काम हो जाओ, शांत होके सोचो। अगर कोई प्रॉब्लम है कि यार ये चीज मेरे से नहीं होगी, पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, नहीं मेरे से हो जाएगा। चीजों को टेक इट इजी लो यार, हटा हो जाएगा, जो होगी देखी जाएगी, बाढ़ में गया है, ये थोड़ा माइंडसेट रखोगे तो तुम पे स्ट्रेस कम रहेगा। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ज्यादा से ज्यादा हंसते रहो, थोड़ी कोशिश करो कुछ खेलने निकल जाओ, दोस्तों से मिलो, घर वालों से बैठ के बात करो। आज की जनरेशन की क्या प्रॉब्लम है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हम अपने घर वालों से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमको अपने आगोश में लेती जा रही है। हम लैपटॉप में लग के गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में लग के गेम खेल रहे हैं, चैट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम घर वालों से दूर हो गए हैं। तो उससे होता क्या है, हमारे अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ हमारे अंदर चलता है, वो किसी को नहीं पता, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। जब चीजें आप शेयर नहीं करोगे तो आपके जो मेंटल स्ट्रेस है वो खत्म नहीं होगा, वो कम नहीं होगा, वो रिलीज नहीं होगा, और आप उसी चीज पे ओवर थिंकिंग करते 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 एक स्ट्रेस डेवलप कर लोगे जो बड़ी हार्मफुल है। देन आप बहुत परेशान हो, एक बार लंबी सांस लो, थोड़ा रिलैक्स करो, आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आप कुछ करने जा रहे थे नहीं हो रहा, एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, तीन बार फेल हुआ, बार बार फेल हुआ, नहीं हो रहा, रुको शायद आपका तरीका गलत है। थोड़ी देर सोचो, परेशान होने का नहीं, उस पे सोचो क्या गड़बड़ है, कहाँ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। बाहर जाके मिलो, एक बार लोगों से घुलो मिलो, कोशिश करो बातचीत करने की, हंसो, मेडिटेट करो। आपका यूथ है, आप कोरोना के टाइम पे आप जिम में नहीं जा सकते, थोड़ी देर घर में एक्सरसाइज करो, पुशअप करो, रनिंग करो, वॉक करो, पिताजी से बात करो। यार एक बार पिताजी से बात करके देखो, वो शायद कूल हो, टेक्नोलॉजी तुमको उनसे दूर खींच रही है, उनसे एक बार बात करके तो देखो, वो उन्होंने भी टाइम बिताया है, उन्होंने भी लाइफ काटी है, उन्होंने भी ये सारे फेजेस फील किए हैं, वो ज्यादा कूल होंगे, आप एक बार बात करके तो देखो। उसके बाद अपनी माँ से बात करो, भाई से बात करो, बहनों से बात करो, दोस्तों से बात करो, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, उतना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और एक आखिरी चीज मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू, वो है अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज उन्हें परेशान कर रही है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। ना कि सिर्फ नहीं तुझे IIT JEE निकालना है, तुझे MBA करना है, MNC में जॉब लेनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इस चीज को थोड़ी देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा। बच्चे के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या परेशान कर रहा है। मदर कर लेती है लेकिन बेटा फादर से नहीं कर पाता, फादर को भी थोड़ा मिलने की कोशिश करनी चाहिए, उससे बार बार पूछे कि और सब बढ़िया चल रहा है, चल खेल के आते हैं। यार तुम आपने भी क्रिकेट खेला होगा अपने टाइम में, तो क्यों नहीं एक बार अपने बेटे के साथ जाके क्रिकेट खेल के आते हो, वो आपसे घुलेगा मिलेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, इस तरीके से उसका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा।
जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो, अगर वही परेशान रहेगा, वही अनहेल्दी रहेगा, वही अपनी लाइफ के लिए परेशान रहेगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ खेलिए, बातचीत कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके की मेरी और वीडियोज आती रहेंगी। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि मैं उस पर बोलूं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर बोलूंगा और आपका नाम भी मैं उस वीडियो में शोकेश करूंगा कि इन्होंने ये टॉपिक दिया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।